And PCS. बात करते हैं इस लेक्चर में EWS की रिजर्वेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, इसके बारे में और उस से जुड़ी हुई नंबर डी किस कंटेक्स में हमने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिए है तो उसमें एक एक्सेप्शन uh, जो ये थे uh, यहां पर कैरी फॉरवर्ड रूल जो है अनफुलफिल्ड वैकेंसीज का वो 50 परसेंट रिजर्वेशन के रूल को वॉलेट नहीं करना चाहिए ये जो एक्सेप्शन था इसको ऐड और करा करू एस के कंटेक्स में देखो ना ई बाद में आया बहुत बाद में आया ओबीसी के भी बाद में आई ये वाली रिजर्वेशन तो रिसेंटली है ना हमारे सामने आए तो दो हजार में इसकी बात होना शुरू हुई है इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ है अब रिजर्वेशन ऑलरेडी जब इतनी चली आ रही थी तो ये फिफ्टी परसेंट के रूल को ये वो ना करें ना ब्रीच ना करे अब आपके दिमाग में कभी कभार ये क्वेश्चन आता होगा ना मैंने पूरे फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर में इस, इस आर्टिकल में बात करी नहीं इसके बारे में प्रिया एक दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता होगा प्रिया बताना जरा कि सर शुरू शुरू में ना एस टी एस सी फिर ओ बी सी चले आए हैं अभी ईडब्ल्यू एस चले आए तो जब यहीं तक भी अगर सत्ताईस परसेंट इनके वो करके फोर्टी नाइन फिफ्टी परसेंट तो सर यहीं पर आसपास ही हो जाती है तो फिर यार ये तो पक्का ब्रिच नहीं करता होगा तो ये तो धोखाधड़ी नहीं है जनता के साथ पागल बनाने वाली बातें फिर तो ये नई रिजर्वेशन देना इसका मतलब पक्का आपके मन में आता होगा कि पचास परसेंट की मर्यादा को लक्ष्मण रेखा को ब्रीच कर रहा है बताओ उससे ऊपर ही जा रहा है आता होगा ना मन में लेकिन ऐसा कर तो सकती नहीं है सरकार क्योंकि एक्सपर्ट जो है वो तो फिर कोर्ट चले जाएंगे इतना आसान थोड़ी ना सरकारी डेटा को तो पता है क्या होता है कितनी भी एलोकेट कर दी गई हो एक साल में सारी थोड़ी ना फुलफिल हो जाती है एस सी एस टी ओबीसी की कुछ जो बच जाती है तो वो इस प्रकार से बैलेंस कर रखा कि वहां पर ईडब्ल्यू भी फिट हो जाए सारी ईड्ल्यू की सीटें भी फुलफिल नहीं होती है तो हमेशा वो पचास परसेंट से कम ही रहता है और जब वो ज्यादा रहता है जैसा कि हमने देखा था एक आई थिंक तमिलनाडु की केस स्टडी में हमने देखा था ऊपर जब वो उससे ज्यादा ब्रीच हो जाता है तब ऑबियसली बात है आपको पता है सुप्रीम कोर्ट उस राज्य के डिसीजन को या सेंट्रल लेवल तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती पहली बात है सुप्रीम कोर्ट के होते हुए और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको नया वार्ड डिक्लेयर कर देते हैं अब राज्य सरकारें मुझे एक बताओ ये रिजर्वेशन 50 परसेंट से ज्यादा देने का क्यों सोचती है इनको क्या फायदा जल्दी बताओ एक वर्ड में जल्दी बताओ वोट बैंक वोट बैंक सिंपल तो ये जो एक्सेप्शन है इसको ऐड करा गया था वन हंड्रेड थर्ड अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू दिस प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इश्यू करा साल 2019 में जिसमें जिसमें उन्होंने 10 परसेंट रिजर्वेशन प्रोवाइड करी ईडब्ल्यूएस के लिए सिविल पोस्ट में और सिविल सर्विसेज में इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग सर्विसेज में मतलब आप ऐसा मत समझना कि ये यूपीएससी का एग्जाम और उसमें उसमें होती है लेकिन और भी जगह पर है जनरली ई के लिए आजकल लोगों का सर्टिफिकेट से दे गया है ये भाई यार एस का सर्टिफिकेट बनवा ले फिल्म हो जाएगा क्योंकि कट ऑफ इतनी कम जा रही है ना इतनी कम जा रही है ना इसकी कि जिसकी कोई हद नहीं है और इसके पीछे बहुत ज्यादा क्रिटिजम भी होता है इसका तो बेनिफिट जो है इस रिजर्वेशन का ये अवेल करा जा सकता है उन पर्सन के द्वारा जो कि बिलोंग करते हैं ई से और वो पर्सन जो कि किसी भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स के अंदर रिजर्वेशन के अंदर कवर्ड नहीं है चाहे वो एस के लिए हो एस के लिए हो या ओ के लिए हो ऑफिस ही बात है आप दो दो सर्टिफिकेट साथ लेकर तो नहीं घूम सकते ना कि यार मैं ओ भी हूं और मैं ई का सर्टिफिकेट भी एंजॉय कर लूँ मैं एस का सर्टिफिकेट भी इन्जॉय कर लूँ और एस का भी कर लू ठीक है और ऐसे केसेस आपके पास आएंगे जब आप अपने जिले में जाओगे ना पो, पोस्टेड एज अ आई एस आई पी एस तो वहाँ पर ऐसे केस आएंगे कि जब आपको ऐसे फ्रॉड के कई लोगों के केस मिलेंगे दो तो दो आधार कार्ड बनवाना और बड़े सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स बनवाना तो फिर आपको सिखाया जाएगा लबासना में ट्रेन करा जाएगा कि आपको सारे इन चीज़ों के साथ बड़े बड़े मुद्दों के साथ कैसे डील करना पड़ता है आपने अक्सर एक कॉमन प्रॉब्लम देखी होगी जो केस स्टडी भी होती है जी पेपर फोर की एथिक्स की बहुत बार आती है केस स्टडी रिपीटेड है यूपीएससी का क्वेश्चन है लगातार पिछले दस साल में हर ऑल्टरनेटिव यह छोड़कर आ जाता है प्रिय तो क्वेश्चन देखा ना वो एक बुजुर्ग महिला के पास उसका आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स नहीं और वो पेंशन के लिए आपके पास आए तो आप क्या करोगे ये लगातार क्वेश्चन है यूपीएससी का फ्लो में उत्तर प्रदेश का भी और यूपीएससी का भी एथिक्स के पेपर में केस स्टडी के फॉर्मेट में ये पक्का क्वेश्चन है घुमाते फिराते कि किसी के पास एक डॉक्यूमेंट नहीं है कुछ भी चाहे वो फिर वो बुजुर्ग पर्सन हो या किसी भी फील्ड से वो आपको सिचुएशन दे दें आप करोगे क्या उस केस में तो ये भी हम सीखेंगे कि हमें क्या करना क्या चाहिए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि ले डाउन करा गया है उसको एक्सप्लेन करा गया आर्टिकल फिफ्टीन के अंदर फर्दर साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट जो कि फॉलोइंग कंडीशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं अगर उसको सेटिस्फाई करती हैं तो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया जो मिलना चाहिए जो बेनिफिट मिलने चाहिए दे कैन बी एग्जेप्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ रिजर्वेशन फिर नहीं मिल सकते ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूं फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट ओनली अगर फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इनको एग्जेम करा जाता है फ्रॉम द दर्व्यू ऑफ रिजर्वेशन नंबर वन द पोस्ट शुड बी इन ग्रेड अब लोअर ग्रेड इन ग्रुप ए ऑफ द सर्विस कंसर्न ग्रुप ए की अगर सर्विसेज हो और उसमें जो पोस्ट जो पोस्ट है वो ग्रेड्स में हो लोअर ग्रेड से ऊपर वाली अगर पोस्ट हो तो सबसे नीचे जो ग्रुप ए में जो सबसे नीचे जो ग्रेड की जो पोस्ट होगी ग्रुप ए सर्विसेज ग्रुप बी सर्विसेज ग्रुप सी ग्रुप डी ऐसी सर्विसेज होती हैं हमारे देश में सरकारी नौकरियां वगैरह उसमें जो सबसे नीचे की जो पोस्ट होगी उसके ऊपर वाली जो पोस्ट है जो ग्रेड में उनके लिए चीज एग्जाम है दूसरा उनको क्लासीफाई करा जाना चाहिए कि वो पोस्ट ना या तो साइंटिफिक पोस्ट हो या टेक्निकल पोस्ट हो एक वैकेंसीज भी निकलती है आपने यूपीएससी के कभी उस पर देखा होगा साइड कि ये चीज जो ऑलरेडी सर्विस में उनके लिए वाली पोस्टिंग निकली हुई है देखा होगा आपने साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट निकलती है बड़ी सारी है ना इंजीनियरिंग के लिए इसके लिए उसके लिए और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी स्टेट में भी निकलती है अकॉर्डिंग टू विच इस ऑर्डर में बोला गया था ध्यान से सुनना साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट जिनके लिए क्वालिफिकेशंस या तो नेचुरल साइंसेस के लिए हो या एग्जैक्ट किसी के, के लिए लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या कोई भी बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी या अप्लाइड साइंसिस के लिए या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो उस पोस्ट के अंदर प्रिस्क्राइब करी गई है फ्यूचर में फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम की, की रियलिटी क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई आपसे बोले रोबोटिक्स इसके लिए एंड द इनकम्पेंट्स ऑफ विच द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज यानी कि उसको वो फिर उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि जो पोस्ट है जब वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करेगा तो उसको डेली बेसिस पर उस चीज के ऊपर कमांड होना चाहिए ठीक है द पोस्ट लास्ट द पोस्ट शुड बी फॉर कंडक्टिंग रिसर्च या फिर किसी चीज या किसी रिसर्च को ऑर्गेनाइज करने के लिए गाइड करने के लिए डायरेक्ट करने के लिए तब उस चीज में ये एग्जाम्पन्स मिल सकती हैं कुल मिलाकर ये कभी पॉइंट आपको लिखने को नहीं आएंगे आई प्रोमिस यू डैट बस आपको इतना याद रखना है कि साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट जो होती हैं जो इन कंडीशंस को जो हमने तीन पढ़ी अगर उसको सेटिस्फाई करती है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट वाले ऑर्डर की कंडीशंस को लोअर ग्रेड से ऊपर वाले ग्रेड्स को ग्रुप ए की सर्विसेज में और जिसमें आपका काम रिसर्च करने का या उसको ऑर्गेनाइज करने का या गाइड करने का है अगेन टेक्निकल फील्ड में या साइंटिफिक फील्ड में तब आपका ये जो कंडीशन है ये आप इससे मतलब आपकी जो एग्जाम uh, हो जाएगी आपकी वो वाली कंडीशन ईडब्ल्यू वाली जो प्रमोशन की है ठीक है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ये ऐड करा गया पहले नहीं था अगर आप लक्ष्मीकांत के पुराने एडिशन सा उठाकर देखोगे तो जब से ईडब्लू एस आया था उसके बाद ऐड करा गया ठीक है और लक्ष्मीकांत को एक चीज करनी चाहिए थी उसको सिक्स रिवाइज एडिशन निकाल के सेवेंथ निकालना चाहिए था अब होगा क्या जैसे ही हमारा फ्लम्स आएगा तो मेजोरिटी ऑफ द चांसेस यही है कि सेवन्थ एडिशन लक्ष्मीकांत का आ जाएगा लेकिन डोंट वरी उसके लिए मैं हूँ कुछ भी चीज नहीं होगी हम फटाफट उसको डिस्कस कर देंगे ठीक है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अब बढ़ते हैं आज के लेक्चर में आर्टिकल सेवेंटीन की तरफ ठीक है ध्यान से सुनना आर्टिकल 17 जो है ये आपको काम आ सकता है जीएस पेपर वन के आंसर ज्यादा लिखने के लिए सोसाइटी में इसको अच्छे से समझना क्योंकि ये सेंसिटिव थोड़ा सा टॉपिक होता है अनटचेबिलिटी सोशोलॉजी ऑप्शन वाले थोड़ा सा ज्यादा बेटर तरीके से इसको जानते हैं लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है हम सारे सब्जेक्ट ऐसे कर रहे हैं कि हम किसी भी ऑप्शन वाले पर्सन से कंपीट कर सकें आर्टिकल 17 जो है वो बोलता है सिंपली उसकी कोर ठोस भाषा है आर्टिकल 17 एबोलिश अनटचबिलिटी छुआ छूत नहीं होना चाहिए देश में और उसकी प्रैक्टिस हर एक रूप हर एक स्वरूप में प्रतिबंधित होनी चाहिए फॉरवेड होनी चाहिए अगर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी अराइज होती है ड्यू टू अनटचिलिटी यानी कि अगर मैंने किसी को वंचित कर दिया किसी के लाभ से जस्ट बिकॉज कि इसकी परछाईवी रूप नहीं पड़नी चाहिए अगर इसे बोले टच कर लिया तो मैं ना कर आ जाऊँगा ऐसी चीजें अगर हो रही हैं इस चीज को एक ऑफेंस माना जाएगा जो कि पनिशेबल होगा इन अकॉर्डिंग विद लॉ ऑफ द लैंड जो भी कानून उसके लिए हमारे देश में बन रखा होगा उसके अकॉर्डिंग और ये कानून जो है इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right से डिराइव हुआ कानून बनेगा क्योंकि ये चीज कॉन्स्टिट्यूशनली गिवन है आर्टिकल सत्रह के अंदर संविधान निर्माताओं ने इसके बारे में चर्चा करी थी तो ये कोई बनेगा हो सकता है किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वगैरह से लेकिन अब कोई भी चीज अगर संविधान से इंस्पिरेशन लेके जब भी कोई कानून बनता है तो वो पार्लियामेंट की एक्ट की सहायता से ही बन, बनती है बनता है ठीक है तो वो पार्लियामेंट्री एक्ट होता है इन 1976, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 हमारे देश में जो था इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अमेंड करा गया और इसका इसकी इसकी रीनेमिंग करी गई लगभग आप कह सकते हो 21 साल बाद 55, 65, 75, 76 में ये वाली चीज हुई और उसका रीनेम करके क्या इसका नाम रखा गया एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट उन्नीस ताकि जो पेनल्टी लगे अनटचेबिलिटी की टर्म्स में किसी को डिसेबल करने के लिए डिसेबल का मतलब यहां पर यह है कि किसी का ऐसा नहीं है कि आपने किसी के शरीर या किसी के अंग बेकार कर दिए आप उसको उसके लाभ से वंचित कर रहे हो अगर उसने मानव शरीर में जन्म लिया है तो उसके कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स बनते हैं कुछ उसके पास बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं वो इस देश का नागरिक और इस देश में साफ तरीके से अगर संविधान में लिखा हुआ है जो कि सबसे ज्यादा पवित्र बुक है हाइएस्ट लॉ है इस देश का संविधान खुद

बाई रीजन ऑफ द एबॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस ना हो उस पर्सन के खिलाफ तो अब ये देखो ना इस आर्टिकल की हेडिंग है अबोल्यूशन ऑफ अनटचिलिटी छुआ छूत प्रैक्टिस नहीं करनी है किसी भी टर्स में किसी भी इंसान के खिलाफ चाहे वो किसी भी रिलीजन रेस का सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी अगर ऐसे मायने हो अगर जब ये चीज प्रैक्टिस नहीं होती है तो यानी कि पर्सन उस देश में

िटी ये कहीं पर भी इट है संशोधन कर दिया गया अमेंडमेंट कर दिया गया लेकिन कहीं पर भी अनबिलिटी टर्म डिफाइंड नहीं है ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं एक्ट में मैंने शुरू शुरू में आप लोगों को एक चिट्ठा बनाने को बोला था अभी भी टाइम गया नहीं है चैप्टर आगे बढ़ेंगे हमारे रॉकेट स्पीड पर तो आपके हाथ से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पेपर खिसक सकता है खो जाएगा प्लीज ये ए फोर शीट एक बनाकर एक अपना चिट्ठा बना लेना पॉलिटिन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिलिम्स में इससे बहुत बेहतरीन मार्क्स आपको मिलेंगे हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड एक्यूरेसी आपकी रहेगी पॉलिटी के क्वेश्चन में इसमें वो वाले पॉइंट सेट करना थिंग्स ऊपर लिखना थिंग्स जो कि डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं पर भी लेकिन फिर भी उनका जिक्र है तो ऐसी बहुत सारी चीज होती है अब जैसे ये देख रहे हो ना कि के ऊपर क्वेश्चन आया आप पेपर में बैठने सोचने बैठोगे तो आपको क्या लगता है इतने ज्यादा सिलेबस इतने सारे सब्जेक्ट्स इतनी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन में से आपका दिमाग क्या एकदम से इसको निकाल बाहर फेंकेगा क्या आपकी तरफ कि हाँ उसको याद है हो सकता है याद ना हो तो और गलती कर जाओ तो, तो क्योंकि इंसान का लॉजिक कैसे काम करता है अरे आर्टिकल सेवनटीन का टाइटल ही यही है अबोलिशन ऑफ तो डिफाइन होगा क्या नहीं है भाई नहीं होगा क्या होता है ये कोई लॉजिक थोड़ी ना है ठीक है अब ओरिजिनली तो डिफाइन नहीं था ओरिजिनली तो डिफाइन नहीं था तो अपनी जो लिस्ट बनाओगे ना यही बनाना कि टर्म्स जो कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में दे नहीं रखे हैं लेकिन फिर भी उनकी हेडिंग का कहीं ना कहीं जिक्र है उनका ऐसे आपके पास सत्रह से सत्ताईस चीजें हो जाएगी लेकिन यह आपको रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपका एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव कर देंगी हॉ मैसूर हाई कोर्ट ने यह बोला था ये जो सब्जेक्ट मैटर है आर्टिकल सेवनटीन का वो अनचेबिलिटी नहीं है लिटरल बट उसके उसकी जो प्रैक्टिस है ना जो कि हिस्टोरिकली हमारे देश का पार्ट रह चुका है जैसा हमें हमारा प्राचीन भारत का इतिहास मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास में जो हमें देखने को मिलती हैं चीजें अब मैं प्राचीन भारत इसे बोल रहा हूं लेटर वैदिक एज में ही तो ये सब कुछ आया कि नहीं आया हम तो अभी तक पढ़ चुके हैं इस बात को बताओ और तब से लेकर आज तक कंटिन्यू है ये चीज तो आज भी कंटिन्यू है आज भी कंटिन्यू है 2022 में क्या ये चीजें मिट गई हैं क्या बताओ <coughs> तो यहां पर हाँ नहीं है नहीं है नहीं 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 है नहीं नहीं है, न, नहीं, है, न, नहीं, है न, नहीं है हाँ कई बार भी डिफाइन नहीं है थीके? ये ठीक है ये चीज याद रखना मैंने इसमें क्योंकि गलती खुद भी करी हुई है मैंने इसमें जब मैं टेस्ट सीरीज लगाता लगाता था ना विजन और इनसाइट्स वगैरह की मैंने गलती करी हुई है उस चीज से भी मुझे याद रह जाता है बहुत बारी ठीक है तो इट रेफर्स टू यहां पर माइसूर हाईकोर्ट का क्या बोलना था कि ये जो अनटचेबिलिटी है ना ये लिटरल सेंस में अनटचेबिलिटी या फिर ग्रामेटिकल सेंस में अनटचेबिलिटी का जो मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग ये एक्चुअली वैसे नहीं है हमारे देश में बहुत बार लोगों को बहुत सारे अधिकारों से वंचित करा जाता है मैं सारी बातें छोड़कर एक पॉज लेना चाहूंगा एक बात बोलने का याद है मैंने तुम्हें एक एक्स्ट्रा रीडिंग्स करवाई थी प्रिया याद है वो गांधी जी के बारे में एक घंटे का मैंने लेक्चर लिया था इंडिगो एक्स्ट्रा क्लास जो मैंने ली थी वैल्यू वैल्यू एडिशन अब अब गांधी जी के साथ जो चीज हो रही थी वो अनटचेबिलिटी थी या सोशल डिसेबिलिटी थी बताओ दोनों चीजें थी काइंड kind ऑफ of, वैसे तो उनको कुएं से पानी निकालने दिया जा रहा था जब वो राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे कि फ्रॉम द फियर डेट सम ड्रॉप फ्रॉम इस बकेट में पॉल्यूट द एंटायर वेल नीचे बैठाया गया जस्ट उनका पहनावा देखकर तो हमारे देश में ना सोशल डिसेबिलिटी भी बहुत है कि हम ना लोगों को उनके कपड़ों से उनके हो सकता है होलिये से जज करने लगे और उसके बाद क्या कहते हैं डिसमेटरी प्रैक्टिसों उनके खिलाफ प्रैक्टिस होने लगे अब ये कभी कभार जो सोशल डिसेबिलिटी है ना ये सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन पर हमारे देश में ना इंपोज करी जाती है ये भी नहीं कि मतलब डिफाइन करी गई हो इंपोज करी जाती है थोपी जाती है किसी भी रीजन से बाय रीजन ऑफ देयर बर्थ इन सर्टेन कास्ट तुम इस जाति में बॉर्न हुए वो हो और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है किसी पर्सन को चमार कह देना अब तो ये पनिशेबल ऑफेंस है और पर्सन यहां पर ये बात ये भी है कि वो मानकर बैठ जाता है जबकि प्राचीन भारत में हमें इसके जो स्रोत हैं जो सोर्स है वो क्या देखने को मिलता है पहले हमेशा ऑक्यूपेशन के बेसिस पर डिफाइन होता था लोगों का वर्ण और कास्ट वगैरह हेंस इट डज नॉट कवर सोशल बॉयकॉट ऑफ यू इंडिविजुअल या फिर उनका जो एक्सक्लूजन हो जाता है फ्रॉम रिलीजियस सर्विसेज वगैरह किसी किसी को होता है ना आपने देखा ना कभी कोई लव मैरिज कर, कर आ गया तो गांव निकाला दे देना उसको या फिर किसी किसी लोगों को मंदिर के भारी बिठाकर रखना उनको अंदर नहीं घुसने देना मंगलवार में देखो आप तो आप प्रिया दिल्ली आए आपने देखा होगा हर मंगलवार को कितने सारे बिकारी बैठे रहते हैं हनुमान जी के मंदिर के बाहर गार्ड नहीं घुसने देता अंदर बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है दिल्ली में तो प्रोमिनेंटली ऐसा होता है अब मुझे एक बात बताओ यहां पर कोई अनटचेबिलिटी थोड़ी ना है उनको छूने से कोई थोड़ी ना कोई वंचित है वो तो घरों में जाकर हो सकता है काम भी कर रहे हो किसी की काम वालियां भी हों वो भी हो यहाँ पर रियल फॉर्म में प्रैक्टिस करी जा रही है सोशल डिसेबिलिटी प्लीज समझने की कोशिश करो जो मैं आपको समझा रहा हूँ और जो कोर्ट का बोलना था कि हमारे देश में वो कोर्ट का यह बोलना था कि देखो भली संविधान निर्माताओं ने टाइटल लिख दिया ऑफ अबोल्यूशनबिलिटी

तो वो न्यूज का वो बन जाएगा हाईलाइट लेकिन यही अगर कोई अः कड़ी चावल की लाइन में रखकर अगर कोई वैसे अच्छे घर का भी आदमी खा रहा हो तो लोग ये सोचेंगे रिक्शे वाला है तो तो यहां पर कई कै, कई इंडिविजुअल्स के साथ ना सोशल बॉयकॉट भी होता है जब समाज जो होता है उसे अपना दर्जा नहीं देता और उन लोगों को निकाल फेंकता है और ऐसा बहुत बार कपल्स के साथ होता है गाँव वगैरह में दूर के इलाकों में जहां पर जो मानसिकता है वो काफी ज्यादा बैकवर्ड है ऑर्थोडॉक्स है और किसी किसी लोगों को रिलीजियस सर्विस से एक्सक्लूड करा जाता है नहीं तुम हाथ नहीं लगाओगे तुम इसको नहीं छुओे उनके फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए फिर उनको वो हो सकता है आ, हो सकता है वो ब्राह्मण क्षत्रिय उससे वो परिवार से हो लेकिन फिर भी स्टेटस से हो जेंडर के बेसिस पर यह भी बहुत अच्छी बात कही आपने सबरी मालाशो में क्या होता था कि एक बार बताओ करोड़पति अरब पति भी औरत हो नहीं जा सकती अंदर हाजी अली दर का केस शनि शिंगड़ापुर केस तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जो राइट हमें मिला हुआ है आर्टिकल सत्रह के अंतर्गत वो राइट अवेलेबल है अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल यानी कि अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी अगर आपके खिलाफ इस तरह का सोशल डिसेबिलिटीज प्रैक्टिस करें और ये स्टेट के ऊपर नेशनल नेशन स्टेट के ऊपर ये एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो नेसेसरी एक्शन लें इंश्योर करने के लिए कि किसी के भी इस प्रकार के राइट्स या सिविल राइट्स वॉलेट नहीं होने चाहिए किसी के भी ये चीज है अगर किसी का फाइनेंशियल टे, स्टेटस हमें कम लगा है किसी की फटी फटी हुई टी शर्ट है या शर्ट है अगर वो पहन के मंदिर में घुस आया तो लोगों का रवैया क्या रहता है पंडित जी का रवैया क्या रहता है चलो साइड हो लाइन से साइड हो क्योंकि उनको लगता है कि ये पॉकेट मार आ गया यहां पर ये या भी लोगों की चेन वेन खींच के पॉकेट ये फोन वो निकाल कर भाग जाएगा अब हो सकता है शाइनी कल को किसी रिक्शे वाले से बात ना कर रही हो वो बड़े अच्छे से से बोलता हो कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ बड़े क्यूट से लगते हो ऐसे वैसे करके ये बात ना कर रही हो इसने कहा तो दो तो रिक्शे वाला है हटना है करके और वो सिंगल डिजिट रैंक ले आया वो यूपीएससी में एक साल बाद अब शाइनी ये सोच रही कि बे ऑफ बंगाल में कौन नदी के कौन से किनारे से कहाँ कूदू क्योंकि अब तो वो इंतकाम ले लेगा <laughs> evolution ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18. आर्टिकल मैंने आपको जैसे शुरू में बोला था कि शुरू शुरू के आर्टिकल आपको समझने में इक्वलिटी वाले थोड़े से ठप होते हैं फोर्टीन टू एटीन बस ये वाला आपका आर्टिकल किसका अब स्मूथली आपका चैप्टर पूरा का पूरा चलता चलेगा ये चैप्टर भी और आपके पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज तक अब आपको कोई बाधा नहीं आने वाली है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स देखो पहले क्या होता था अपना स्टेटस सिंबल जस्टिफाई करने के लिए ना जमींदार वगैरह बहुत सारे टाइटल्स यूज करते थे राय बहादुर बाज बहादुर खान बहादुर शेर खान बड़े अलग अलग टाइटल अलग अलग यूज होते थे ठीक है तो स्टेट ना अबॉलिश करता है टाइटल्स को और चार प्रोविजन बताता है इस रिकार्ड में कि ऐसा नहीं कि कोई भी टाइटल आप यूज नहीं कर सकते और यूज कर सकते हो तो कैसे देखो ये हमारा जो नेशन स्टेट है सबसे पहले तो एक प्रतिबंध लगाता है कि किसी को भी कोई भी टाइटल नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट जो उसके द्वारा कमाया हुआ टाइटल ना हो या तो मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन फॉर एग्जांपल डेट समबडी इज अ पीएचडी होल्डर गोल्ड मेडलिस्ट या वो ब्रिगेडियर है या वो कैप्टन है लेफ्टिनेंट जनरल है ठीक है कमांडर है ये अलग टाइटल्स है आई है आई है ऑन एनी बडी चाहे वो सिटीजन हो चाहे फॉरनर हो कोई टाइटल नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट दिस वन जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ येलो से ये वाले ये चीज याद रखना उसके बाद इट प्रोहिबिट्स सिटीजन ऑफ इंडिया कि आप कोई भी टाइटल जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट कोई भी आपको मिले क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाली चीज आजादी के पहले नहीं होती थी बताओ ये सेकंड पॉइंट ये अलाउ थी एक हिंट दू रविंद्रनाथ टैगोर टाइटल ऑफर करा गया था कुछ साल रखा लेकिन फिर बाद में गुस्से में ठुकरा दिया उसको क्या टाइटल साहब वो वेरी गुड ठीक है कौन बोला नाइटोड कैसे? रागनी आपने बोला ओके अ फॉरनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट ठीक है कोई भी फॉरनर अगर एक कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या कोई एक ट्रस्ट होल्ड करके रखा हुआ है अंडर स्टेट जहां से उसको फायदे मिल, मिल रहे हो बेनिफिट्स मिल रहे हो पैसा आ रहा हो अच्छा खासा डीलिंग हो उसकी सरकार के साथ वो कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट कब तक उसको ये काम करने के लिए ना प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी छोटे मोटे पर्सन की भी नहीं प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी अब आप कहोगे यार ये ये पॉइंट क्यों लिख रखा है ये सी का क्या मतलब है ये तो फॉरनर है अगर वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट होल्ड करके रखा हुआ है अंडर द स्टेट एक तो देखो अगर स्टेट के अंडर होल्ड करके रखा हुआ है ना तो यानी कि एक तो मतलब वो हमारे देश की छत्र छाया में काम कर रहा है तो वो उससे बेनिफिट एंजॉय कर रहा है नंबर वन पॉइंट तो यही हो गया ठीक है अब आप कहोगे इसका मतलब सर समझ में नहीं आया मतलब ये फॉरेनर कैसे होल्ड कर सकते कर सकता है हमने हाँ तो चैप्टर में देखा था कि कोई भी जो कुछ सर्विसेज वगैरह वो फॉरनर होल्डिंग कर सकते जब हमने देखा था राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया राइट्स अवेलेबल टू फॉरनर्स यहाँ पर इसका मतलब ये है आप अमेरिका से कोई एनजी तो चला सकते हो ना भारत से परमिशन लेकर बताओ यहाँ पर आके कोई फ्रेंचाइजी तो खोल सकते हो ना कुछ एक डिपार्टमेंट तो खोल सकती हूँ ना जिसमें आपने भारत की सरकार का टैग ले रखा हो बताओ जमीन हो वो सरकार की या कोई भी आप बेनिफिट वहां से एंजॉय कर रहे हो तो आप कोई भी टाइटल इसलिए वो नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल लोगों को ये ना लगे कि यार ये तो बहुत मान चीज है वो है अब मैं फॉर एग्जाम्पल नेपाल का कोई पर्सन यहां पर आ गया उसने कोई एक एनजीओ खोला सरकार की उससे और उसकी कोई एक डीलिंग हो जाए कि मतलब कहीं पर भी करके पागल बनाने की किसी भी एक स्टेट के साथ भूटान के राजा तो मुझे ना एक उपाधि दे देना डेट यू आर द स्टारलाइट ऑफ एशिया और पूरा मुझे गाउन वाउन पहनाना क्राउन पहनाना एक स्टिक देना चेयर देना एक बढ़िया सी तो लोगों को लगेगा ये कोई बहुत महान इंसान है जो कि एक हैवी इन्वेस्टमेंट करने आया इंडिया में उसका टाइटल देखो कितना मस्त है यानी कि किसी भी प्रकार के ना जनता के दिमाग में लोकल जनता में नागरिकों में किसी भी प्रकार के इन्फ्लुएंस को रोकना वरना टाइटल से कहीं लोग ये दब जाते हैं ठीक है आपसे कोई मुंह चला रहा है मान लो ठीक है रागनी आपसे कोई मुंह चला रहा है और उसने कहा एक थप्पड़ मारूंगी ना तो उछलती हुई गिरेगी तू टप्पे खाती हुई गिरेगी आपने कहा ठीक है मार लेना थाने आ जा जरा तो उसने कहा थाने के आ जाऊ तो आपने बोला इस एरिया के एसपी पी में ही हो और बोलना अब तूने अगर मेरे को थप्पड़ मार के टप्पे ना वो छलवाए ना तो उससे ज्यादा टप्पे अब तेरे को लगने वाले हैं तेरे पूरे घर वालों को लगने वाले हैं अब तो तू थप्पड़ तो पक्का मारेगी तो तुमने बोला अपने सिवाईयों बच्चों उठाओ इसे और लेकर आओ मैडम का चाय नाश्ता पानी करवाते हैं ज्यादा भूखी थी ये और अच्छे से इनका पेट भरते हैं जाओ और अब उससे बोलो हाथ अगर तेरा नहीं उठा तो तू मरी अब तो तेरे को हाथ उठाना ही पड़ेगा मैं तेरा दिल दुखी नहीं करना चाहती नो सिटीजन और फॉरनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट ठीक है जैसे फॉरनर के लिए था तो यहां पर सिटीजन को भी ऐड कर दिया गया वो कभी भी किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी गिफ्ट प्रेजेंट वगैरह, कोई काइंड ऑफ हफ्ता वगैरह इमोल्यूमेंट क्या एक तरीके से हफ्ता ही तो कहीं ना कहीं से कही आपको रकम आ रही हो कुछ भी आ रही हो या किसी भी ऑफिस सेंटर अंडर स्टेट वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट अब मुझे एक जरा बात बताना अगर मैं यहां पर आपसे यह पूछूं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत एप्लीकेबल हो गए हैं आजकल फिल्म के अंदर मैं आपसे ये पूछूं अगर किसी को मेरे जैसे पर्सन को यूट्यूब से कमाई आ रही हो तो उसका क्या होगा मैं ये यूट्यूब से डॉलर कैसे एक्सेप्ट कर लेता हूं जैसे बेटा मिनट मेरे अभी यहां पर आप देखिए यूट्यूब के अकाउंट में सिक्सटी सेवन पॉइंट वन सेवन डॉलर पड़े हुए हैं अभी ठीक है इस महीने के ये मैं कैसे एक्सेप्ट कर लेता हूं YouTube तो हमारे देश का नहीं है ये मेरे पास हर महीने कैसे आ जाते हैं सौ सौ डॉलर दो दो सौ पांच पांच सौ डॉलर ये कैसे ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्यों मैंने कहा मैंने कहा ऑफिस होल्ड करके रखा है मैं यूट्यूब के पास काम थोड़ी ना करता हूं मेरा तो चैनल चल रहा है ट्रू आई एस के नाम से तो ये कैसे आ जाता है फिर मेरे पास ये तो अलाउ ये तो ही तो नहीं अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता तो देखो ना मैंने पर, मैंने प्रेसिडेंट की परमिशन के लिए बिना तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता था ये फिर मुझे तो मैं ये ये एक्सेप्ट कैसे कर पा रहा हूं ये तो बाहर की चीज है बताओ जरा फॉरेन स्टेट ही तो है ना ये बताओ मैं कोई भी प्रेजेंट एमोल्यूमेंट वगैरह ये सब यहां पर लिखा होगा कि एक्सेप्ट नहीं कर सकता फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट अभी अमेरिका की कंपनी है कि नहीं है बताओ क्योंकि सिंपल नहीं 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 वो तो चलो सारी चीजें ठीक है लेकिन पॉइंट यहां पर ये है कि मैं इसके अंडर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके नहीं रखा हुआ हूं बात ये नहीं रखा हुआ हूं क्योंकि मैं इसके काम नहीं करता हूं और भारत की सरकार ने इसके लिए कॉमन परमिशन दे रखी है कि कोई भी पर्सन अगर यूट्यूब पर अकाउंट खोलेगा अगर भारत की सरकार परमिशन नहीं देती तो अपना टिका ही नहीं सकते थे अब जैसे टिकटॉक को बैन कर दिया तो कर दिया कल को अगर अमेरिका से बहुत ज्यादा रिश्ते खराब हो जाए पूरा यूट्यूब उठ जाएगा ये खत्म टिकटॉक क्या वापस आ पाया क्या तब से बताओ जरा ये उड़ जाएगा पूरा का पूरा ये सारा का सारा चैनल ये पूरा का यूट्यूब का जो आपको दिखता लोग सब कुछ ये चीज़ है ठीक है तो क्या ये वाली चीज समझ में आई क्या ये यूट्यूब को मैं फिर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलूंगा क्या बताओ तो जब ये इसके अंडर आता ही नहीं है मैंने भले ही वहां पर अकाउंट खोल रखा है तो ये चीज़ नहीं है अच्छा मुझे एक बार बताओ ये तो चलो टाइटल्स की बात हो गई है आ, टाइटल अगर आपको कोई अगर मान लो कि आप इस देश के प्रेसिडेंट हो और आप दूसरे स्टेट गए नेशन स्टेट गए मतलब कंट्री गए विजिट पे और वहां पर आपको कोई एक टाइटल मिल गया तो उसका क्या होगा बताओ बताओ क्या प्रेसिडेंट सबसे ब, 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 बड़ी बात तो ये बताओ सिटीजन ऑफ इंडिया है सबसे टफ तो कंडीशन यही होती है सिटीजन ऑफ इंडिया नंबर वन कंडीशन सबसे टफ तो यही है <laughs> तो क्या ये फॉरेन स्टेट से किसी से टाइटल एक्सेप्ट कर सकता है नहीं ठीक है उसके बारे में हम बात करते हैं आपके और भी डाउट आ रहे होंगे कि सर और भी तो टाइटल मिलते हैं जैसे ये विजिट पे जाते हैं प्रधानमंत्री वगैरह या कोई गिफ्ट दे दिया मैं बताता हूं आपको कि वो टाइटल होते हैं कि क्या होता है अभी देखो अभी खत्म नहीं हुआ है अभी रुक जाओ फ्रॉम द अब इट इज क्लियर डैट जो हेरिटेटरी टाइटल्स जो थे शुरू में जो यूज होते थे हमारी आज़ादी से पहले जमींदारों के लिए हेरिटेटरी टाइटल्स और नोबिलिटी नोबल जमींदारों के लिए लाइक महाराजा राज बहादुर राय बहादुर राय साहब दीवान बहादुर जो कि कॉलोनियल स्टेट्स के द्वारा कन्फर करे जाते थे इनको बैन कर दिया गया अंडर आर्टिकल 18 ऑटोमेटिकली बैन हो गए मतलब आर्टिकल 18 की जो भाषा है उसके तहत एक एक करके तो इनके ऊपर अमेंडमेंट लानी नहीं पड़ी बैन ही हो गए एक साथ As दीज आर अगेंस्ट द principle ऑफ स्टेटस ऑफ इक्वल स्टेटस फॉर ऑल ज्यादा जमीन होने से कोई स्टेटस थोड़ी ना मतलब वो हो जाता है किसी का बढ़ जाएगा बताओ जरा बात ये है कि हमारा देश बोलता है सबको इक्वल लेवल पे ट्रीट करो हर एक पर्सन इंपॉर्टेंट है मैंने बताया था ना इकोनॉमी के कंटेक्स में नितिन सिंह जब हम पढ़ते हैं इस देश के बहियों को चलाने, चलाने के लिए हर एक पर्सन एक ऑयल डालने का काम करता है चाहे फिर वो राज्य व्यवस्था हो चाहे आर्थिक व्यवस्था हो चाहे सामाजिक व्यवस्था हो इन 1996 सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल अवार्ड जो मिलते हैं लोगों को उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड करके रखा था किसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पटीशन फाइल कर दी थी तो सुप्रीम कोर्ट में केस आ गया था कि ये अवॉर्ड पर्सन लेकर रख सकता है क्या टाइटल अपने पास तो यहां पर देखते हैं क्या था ये मुद्दा क्या दे रखा है बैक में हम्म ये केस था बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996 में आया था ये क्या ऐसे टाइटल होल्ड करके रख सकता है रतन, पद्म पद्म भूशन, पद्म भूशन, पद्म क्योंकि बोला कि ये जो कोई टाइटल्स नहीं है टाइटल्स वो होते हैं जो पर्सन के ऊपर बेस्टोड होते हैं जो उसको मिलते हैं या तो थोपे गए होते हैं या किसी का काम निकलवाने के लिए जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो अंग्रेज थे ये दे देते थे ताकि इनको पता लग जाए इस जमीन से इस जगह से हमें इतना रेवेन्यू प्राप्त होना है तो ये हमारे बंदे जो हैं राय बहादुर राय साहब दीवान बहादुर यहाँ के इनको कॉल करो और बुलाओ कि इस महीने का पैसा क्यों नहीं आया लेकिन ये वाले जो टाइटल्स हैं ये पर्सन ने अर्न करे होते हैं अपने किसी न किसी स्किल की वजह से टैलेंट की वजह से या कोई भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से ठीक है तो ये आर्टिकल 18 के मीनिंग के अंदर नहीं आते जो कि ये बोलता है आर्टिकल 18 ये बोलता है हेरिडिटरी टाइटल जो है नोबिलिटी के इनको प्रोहिबिट करो इनको अबोलिश करो ये हेरिडिटरी टाइटल नहीं है मेरे पास अगर भारत रत्न है ना तो मेरे बेटे के पास जरूर मेरे बेटे के पास हो सकता है कि मेरी किसी पीढ़ी में ही ना हो कभी कोई भारत रत्न उसके बाद आई का बेटा आई बनेगा ये कोई रूल नहीं है वन भी नहीं होता ऐसा IAS, के बेटा चोर चक्का जरूर बनेगा ये गारंटी है बिगड़ा हुआ दृश्य मूवी के अंदर देखो तब वो डी आई जी बेटा उसका एमएमएस बना लेता है तो दीज आर नॉट वायट आर्टिकल 18 एस जो थ्योरी ऑफ इक्वालिटी है इट डज नॉट मैंडेट डेट मेरिट को रिकॉग्नाइज ना करा जाए भाई मेरिट मतलब जो पर्सन कोई चीज अर्न करता है वो तो मेरिट है उसका वो तो कमाई है ना आप अपने नाम के आगे सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के यूज नहीं कर सकते यानी कि आगे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को इंट्रोडक्शन दे रहे हो हाँ भाई अपना नाम बताना आप लाइन में खड़े हो किसी कोई बैंक में खड़े हुए हो कोई आधार कार्ड की करेक्शन करवाने के खड़े हुए हो हाँ जी आप बताना अपना नाम हाँ जी मैडम जोर तोड़ की चिल्ला चिल्ला के भारत रत्न दिपांग दुबे अब मतलब अटेंशन ग्रैब करने के लिए ठीक है फिर सामने वाला पर्सन भी बोले वो गए वो भाई साहब जिनको भारत रत्न मिला था उनको पहले जल्दी बुलाओ या फिर एंड में नाम के एंड में यूज करना लाइक दिपांग दुबे पद्म विभूषण अवार्डी बुलाओ उनको मतलब ये ना दिन भर मतलब पर्सन कैरी नहीं कर सकता ये ऐसा कि आप आपने हर जगह अपना ये अपना बोल वाला इसके साथ कर लोगे अदरवाइज होगा क्या छीन लिए जाएंगे ये छीन लिए जाएंगे अगर कहीं पर आपने ये लिख दिया फॉर एग्जाम्पल जिसमें मान लो कि आपने ना कोई काम करवाना है किसी से उसने बोला कि एप्लीकेशन लिख कर दे दो ठीक है माननीय महोदय वगैरह आपने ये सब करके लिखा अपना साइन साइनमेंट करा और यहां पर आप भारत रत्न फलाना ढिकमा नाम या फिर अपना नाम पहले ऐसे ऐसे करके और फिर भारत रत्न या पद्म विभूषण ऐसे करके नाम तो ये अगर कहीं पर सर्कुलेट हो गई और इसके खिलाफ कंप्लेंट हो गई अगर थाने में किसी ने एफ करवा दी आपके खिलाफ तो ये छीन लिया जाएगा व्हाट्सअप से कि आपने यूज़ कैसे कराइए मतलब आप कहना क्या चाहते थे सामने वाले पर्सन से इनडायरेक्टली ये चीज़ है आई एस आई को यूज़ करो कोई टेंशन नहीं है वो तो फिर यूज़ भी क्या करना है वर्दी बोलेगी आपकी मैं तो पर्सन से ये कहता हूँ कि आराम से अपनी ग्रेजुएशन एम ए कम्प्लीट करके इस एग्ज़ाम की तैयारी करो एक से तीन साल इस एग्जाम की बढ़िया पोस्टिंग निकालो उसके बाद अप्लाई करो एम फिल पी एच डी के लिए और जिस एग्जाम हो जिस दिन उस दिन उतरो कैंटीन के सामने गाड़ी लेके अपने अठारह गार्ड के साथ टैँव ट्यों टे टों करती हुई गाड़ी और यूनिफॉर्म पहन के एग्जामिनेशन हॉल में घुसो और बोलो पेपर देने आया हूँ मैं एम फिल का आधे लोग तो वैसे ही फेल हो जाएंगे These national awards were instituted in 1954. इन national awards को लाया गया था नाइन फोर में जनता पार्टी जब गवर्नमेंट थी जब मोराजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था 1977 में आफ्टर इमरजेंसी बट इनको दोबारा से इंदिरा गांधी सरकार ने 1980 में रिवाइव कर दिया गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा तो दोस्तों हमारा राइट टू इक्वलिटी एज अ फंडामेंटल राइट काफी हमें टाइम लगा लेकिन 14 टू 18 की आर्टिकल्स की जितनी भी नॉलेज जितने भी प्रोविजंस आपको देखने को मिले हैं आई कैन गारंटी यू आफ्टर दिस लेक्चर डैट नीदर योर प्रलिम्स नॉर योर मीन्स अगर इससे कोई स्टैटिक पोर्शन से कोई सवाल आता है सारे एग्जाम्स में आप बैठ के कंफर्टेबली स्पाइलिंग फेज के साथ आप ज्यादा बेटर तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे एंड इवन इंटरव्यू में आपको ज्यादा बेटर इनकी एक्सप्लेसन पता होगी ज़्यादा बेटर तरीके से आप हाँ पर अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे कॉन्फिडेंटली आप चीजों को क्योंकि डी कर पाओगे आपको पता होगा कि इसकी एनालिसिस क्या है और वो एनालिसिस को बखूबी सामने वाले के सामने रख पाओगे किसी का कोई डाउट यहाँ तक हमारा आर्टिकल राइट टू क्वालिटी आर्टिकल फोर्टिन कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हो गया बताओ हाँ बताओ क्या कह रहे हो इसमें संबो, सं, संबोधित कैसे वो लेकर रखो वो लेकर रखो यूज नहीं करना है कहीं पर चुपचाप लेकर रखो उसको कहीं किसी एप्लीकेशन लिखने में या कहीं पर उसको यूज मत करो कॉलेज के फॉर्म भर रहे हो आप आगे लिख रहे हो भारत रत्न अवॉर्डी बिस कुमार जीना तो वो चीज गलत है कि आपने एक सामने वाले के ऊपर कुछ एक दिखाना चाह रहे हो कि कुछ उससे बेनिफिट हो उसे डराना चाह रहे हो हाँ हाँ इंटेंट वेरी गुड वेरी गुड यही चीज होती है कि इंटेंट देखा जाता है इंटेंशन क्या आपकी इंटेंशन चेक करी जाती है बताओ कोई डाउट तो इस डिस्कशन में लेते हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन